तब्दीली अवाम पे कैसी गुजर रही है, जरा ये भी जान लें। कप्तान की हुकूमत है, गरीब अवाम की जेब पर ये भारी है। पीटीआई के अब तक के दौरे हुक्मरानी में फल, सब्जी, गोश्त, मसाला जात, दूध, दही सब कुछ महंगा हुआ। आटा, चीनी, दालें और चावलों की बढ़ती कीमतों ने शहरियों की तो चीखें निकाल दी हैं। गुज़िश्ता 3 माह क्या कुछ और कितना महंगा हुआ है, जानते हैं उमेर चौधरी से। उमेर चौधरी, बताइएगा ये महंगाई का अजाब जो 3 माह से जारी है, इसके बारे में। जी बिल्कुल, हुकूमती शोरूम पूरे हो गए, लेकिन शहरियों को सब्जियों, फल पहले से भी महंगे मिलने लगे। गुज़िश्ता 100 रोज में फलों में 58 रुपए फी किलो, जबकि सब्जियों में 17 रुपए किलो फी किलो, और जबकि और मुर्गी गोश्त की सरकारी कीमत में 69 रुपए फी किलो अजाफा देखा गया। शहरी हुकूमत की कारकर्दगी से मायूस नजर आने लगे। एक तो सरकारी कीमत में इतना इजाफा हो गया है कि बर्दाश्त से बाहर है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि दुकानदारों की जानिब से सरकारी कीमतों पर अशया खुदनोश फरोख्त करने की बजाय मनमाने रेट वसूल किए जाते हैं। इसलिए इंतजामिया की बनाई गई प्राइस कंट्रोल कमेटियां दुकानदारों को चालान तो करती हैं, लेकिन अभी तक उन चालानों का कोई फायदा नहीं हो सका और ग्राम फरोशी वैसे ही है। शहरियों ने हुकूमती दावों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। देखने में आया कि गुज़िश्ता 100 रोज में फलों में अंगूर की कीमत 116 रुपए से बढ़ाकर 174 रुपए कर दी है। इसी तरह अनार 133 रुपए से बढ़ाकर 190 रुपए, जबकि मौसमी 68 की बजाय 80 रुपीज में फरोख्त हो रहा है। सब्जियों में पपीता 8 रुपए फी किलो की बजाय 25 रुपए फी किलो, अदरक 115 की बजाय 130 रुपए फी किलो हो गया है, जबकि मुर्गी गोश्त की कीमत 215 रुपए से बढ़ाकर 284 रुपए कर दी गई है। इस तरह ब्रांडेड आइटम समेत गिराफ फरोशी पे चालान भी चल रहे हैं और गिराफ फरोशी भी चल रही है। तब्दीली, सरकार की इस तब्दीली से आवाम नाखुश है। शुक्रिया उमेर चौधरी।